नमस्ते फ्रेंड, मैं वर्णाली। वेलकम टू वर्णाली किचन। आज आपके सामने बनाने जा रही हूँ चिकन 65। चलिए चिकन 65 के लिए क्या क्या लगता है देख लेते हैं। लगेगा चिकन, मैंने चिकन देखिए छोटा छोटा पीस करके रख लिए है, और लगेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने यहाँ दो भागों में भाग लिए है, और लगेगा नींबू, सूखी मिर्च, हरी मिर्च बीच में से कटा हुआ, कढ़ी पत्ता, सॉस, टोमेटो सॉस, हॉट एंड स्वीट केचप, हल्दी पाउडर, एक अंडा, दही, नमक, मैदा, कश्मीरी मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, और लगेगा कॉर्नफ्लावर। चिकन को एक कटोरी में ले रही हूँ। यहाँ पे 150 ग्राम चिकन है। अभी इसमें मैं अदरक लहसुन की जो पेस्ट बनाया था वो दे देती हूँ। सॉरी, ये 200 ग्राम है। अभी दे रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर देंगे, स्वाद अनुसार नमक, दही, 2 चम्मच 2.5 चम्मच दही, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, यहाँ ज्यादा लगेगा, और जीरा गुड़ा पाउडर, अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हाथों से मिलाने से ही अच्छा रहेगा, चम्मच से ये इसमें नमक अच्छे से नहीं घुसेगा, इसीलिए हाथों से ही मिक्सिंग करना अच्छा रहेगा। अभी इसमें मैं दे रही हूँ 2 चम्मच मैदा, और दे रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और अंडा, देखिए इसको फिर से मिला लेंगे। दे देंगे आधा जो लेबू नींबू नींबू था वो उसका रस, नींबू का रस देके फिर से मिला लेंगे इसको। देखिए ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गया है। मैं इसको अभी ढक के 30 मिनट तक फ्रिज में रेस्ट में रख दूंगी। अभी इसको मैं 30 मिनट तक फ्रिज में रख देती हूँ। अभी देख लीजिए मैं सॉस को बना लेती हूँ। अभी इसमें दे देता हूँ सॉस, इसमें करीब 3 चम्मच सॉस है, ये वाला सॉस, ये कौन सा सॉस है, टोमेटो केचप, 1 चम्मच टोमेटो केचप,
और हॉट एंड स्वीट सॉस 2 चम्मच के करीब देंगे। इसमें अभी दे देंगे दही, बचा हुआ जितना दही था 2 चम्मच के करीब दे देते हैं दही। दे देंगे स्वाद अनुसार नमक और दे देंगे जो नींबू था आधा वो नींबू। अभी इसको मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैं फूड कलर नहीं ऐड की हूँ, मैं इसीलिए अभी इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसका कलर अच्छा होने के लिए फूड कलर ऑप्शनल है। सॉस पूरी तरह से रेडी हो चुका है, मैं अभी इसको 30 मिनट तक सभी को एक साथ रखूंगी और 30 मिनट बाद हम लोग आते हैं फिर से। चिकन मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अभी ऑयल को गर्म होने दिए है। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं अभी इसको एक 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 पीस को लेके ऐसे तेल में दे दूंगी। ऐसे मैं एक बैच रेडी कर लूंगी, फिर बाद में और बैचेस रेडी करूंगी। चलिए ऐसे गोल्डन गोल्डन करके इसको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। बहुत सारा नहीं देंगे, देखिए चिकन को मैंने ऐसे गोल्डन गोल्डन करके फ्राई कर लिए है। अभी एक खाली पैन बैठा दिए है, अभी जो ऑयल बचा हुआ है ना उसमें से ही कुछ ऑयल मैं इसमें दे दूंगी। दे दिया मैंने ऑयल, अभी इसमें हम दे देंगे सूखा मिर्च और कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट और जो ग्रीन चिल्ली था ग्रीन चिल्ली। बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है, फ्राई बहुत अच्छे से हो गया है। मैं अभी इसमें जो सॉस रेडी किया था वो सॉस दे देंगे। सॉस में थोड़ा सा पानी ऐड करके दे देंगे। अभी इसको अच्छे से पका लेंगे कुछ देर तक। कुछ देर तक पकाएंगे इसको। देखिए सॉस अच्छे से रेडी हो गया है मेरा। अभी इसमें जो चिकन था वो डाल देंगे। इसको सॉस के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इस समय हम गैस को थोड़ा धीमी कर दिए हैं।
दो मिनट तक होने देंगे। देखिए ये चिकन 65 रेडी है, मैं इसको थोड़ा सजा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरा रेडी है मेरा चिकन 65। मैंने इसको थोड़ा ऊपर करी पत्ता, मेयोनीज और ऑनियन और टमाटर के साथ सजा लिए हैं। अगर मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर सभी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।